नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। दमोह में होटल, शराब और ट्रांसपोर्ट कारोबारी राय फैमिली के 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स रेट पड़ी थी। कार्रवाई खत्म होने के बाद कारोबारी शंकर राय ने बताया कि आईटी रेट का मुझे 10 सालों से इंतजार था और आज जाकर सुकून मिला है। इस कार्रवाई से मैं और मेरा परिवार खुश है। उन्होंने कहा पैसा कहाँ कहाँ से आता है, इस बात का भी खुलासा किया है। वहीं राय फैमिली के ठिकानों पर गुरुवार सुबह 5 बजे शुरू हुई इनकम टैक्स की शुरुआती कार्रवाई शुक्रवार रात 11 बजे खत्म हुई थी। 42 घंटों चली कार्रवाई में 8 करोड़ नगद मिले। वही आयकर टीम को रुपए गिनने के लिए 5 मशीनें भी लगानी पड़ी थी। राय फैमिली के प्रमुख शंकर राय ने बताया कि मैं 74 साल का हूं, 24 साल की उम्र से ही इनकम टैक्स भरा है। रेट में जो भी कैश और ज्वेलरी मिली है वो सब लीगल है। उनके पास कृषि पंप, टावर, किराया और अन्य माध्यमों से जो भी पैसा आता है उसका रिटर्न भरते हैं। शराब का ठेकेदार हूँ पर एक शराब की बोतल तक घर से नहीं मिली है। मुझे इस रेट का 10 साल से इंतजार था। घर पर आईटी रेट के बाद उनका टेंशन खत्म हो गया है। वह भी चाहते थे कि दबों की जनता को हकीकत पता चल जाए। मुझे और मेरे परिवार को शांति मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके यहाँ करीब 3.5 किलो सोने के जेवर निकले थे, जिनमें से 1.25 किलो सोने के जेवर टीम अपने साथ ले गई है। वह भी उन्हें वापस मिल जाएंगे क्योंकि वो जेवर पुराने समय के हैं। वहीं उनके भाई के यहाँ मिले नोटों के बैग पर उन्होंने जवाब दिया, देसी शराब की दुकान पर और बसों से 10, 50 और 100 के नोट ज्यादा आते हैं। वहीं विदेशी शराब की दुकान पर 500 रुपए से ज्यादा नोट आते हैं। ज्यादा नोट 10 रुपए के थे इसलिए बैग ज्यादा लगे। वहीं 500, 2000 के नोट होते तो बैग ज्यादा नहीं होते। यह पूरा पैसा व्यावसायिक था इसीलिए छोटे नोट मिले हैं। यदि लीगल होता तो वो सभी नोटों को 2000 नोटों में तब्दील करवा चुके होते। यही छापा अगर 15 दिन बाद पड़ता तो शायद घर पर 1 रुपए भी नहीं मिलता, क्योंकि 15 दिन में मुझे आबकारी की 3 करोड़ रुपयों की किस्त भरनी पड़ती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिदिन 12 से 13 लाख रुपए शराब की दुकान से, पेट्रोल पंप से करीब 10 लाख रुपए, इसके अलावा बसों से भी कैश आता है। प्रतिदिन इतने रुपए घर पर आते हैं। राय ने कहा पानी के टैंक में नोटों से भरा बैग उनके यहाँ नहीं मिला है। वह बैग उनके यहाँ भाई के मिलने की खबर है। बड़ी बड़ी पेटियाँ और बैग में दस्तावेज और नोट भर कर गए हैं। यह बिल्कुल सही बात है, उनके पास कुछ भी लीगल नहीं है। जो पैसा टीम लेकर गई है वो उसके लिए वह केस लड़ेंगे और अपना पूरा पैसा भी वापस लेंगे। आपको बता दें कि शराब और ट्रांसपोर्ट कारोबारी राय फैमिली के 12 ठिकानों पर गुरुवार 5 बजे शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई शुक्रवार रात 11 बजे खत्म हुई थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए नकदी के साथ 3.5 किलो सोना, हथियार और करोड़ों रुपयों के लेन देन के दस्तावेज भी मिले थे। आयकर की टीम को रुपए गिनने के लिए 5 मशीनें लानी पड़ी थी। रेट पड़ते ही राय परिवार ने बैग में नोट भरकर पानी की टंकी में डाल दिए थे। कार्रवाई के लिए 40 गाड़ियों से 100 से ज्यादा आयकर अधिकारी कर्मचारियों की टीम दमोह पहुंची थी। वही टीम ने शंकर राय, कमल राय, संजय राय और राजू राय के मकान सहित अन्य स्थानों पर भी छापामार कार्रवाई की थी। छापामारी कार्रवाई से मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी प्रशंसा की बात है कि मेरे यहाँ छापा लगा तो मैं आज लगाए लोगों के आरोप, आयकर के आरोपों से मुक्त हो गया। की जब्ती हुई थी जिसमें मेरे को 2.5 किलो सोना एज ए रूल उन्होंने वापस कर दिया है। मेरे यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सोना वो सीज करके ले गए हैं। वो सोना भी हम आगे केस चलेगा तो मुझे मिलेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।